से जो बाहर पढ़ने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन अगर आप देखें तो विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए एडमिशन लेने वाले जो छात्र हैं उनकी बात करें तो यात्रा के प्रतिबंधों के अलावा उन्हें और कई परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई। खासतौर पर इस कोरोना काल की अगर बात करें, कोवैक्सीन लेने वाले छात्रों की अगर हम आपको बात बताएं तो वो खासी परेशानी में है, क्योंकि परेशानी की वजह यह है कि जो WHO है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन लगवाने वाले छात्रों को ही कैंपस में एंट्री मिलेगी। और वहीं आपको बता दें कोवैक्सीन को अभी तक WHO से मान्यता नहीं मिली है और ये कोविन जो है कोविन सर्टिफिकेट से भी लिंक नहीं है जो पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो अब जो कोवैक्सीन लेने वाले छात्र हैं उनके लिए दिक्कत सामने आ गई है, जब वो विदेश में पढ़ाई करने जाएंगे उनके सामने दिक्कत आ गई है। और हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। आयुष्मान, निश्चित तौर पर अगर ये छात्रों की बात करें जो विदेश में पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए मुश्किल का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोवैक्सीन लेके और विदेश में जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने दर्शकों को बताया कि WHO द्वारा इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सदा यही हो रहा है। अभी भारत सरकार ने एक नई गाइडलाइन दी है जिसमें कोविशील्ड लेने वाले छात्र या फिर वो लोग जो टोक्यो जा रहे हैं या फिर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं या फिर वो लोग जिनको प्रोफेशनल एंगेजमेंट के लिए बाहर जाना है उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन जो लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उनकी क्या परेशानी है उसको लेकर सरकार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, क्योंकि क्या वो विदेश जा पाएंगे, क्या विदेश में विश्वविद्यालय उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, कोविन पर जो सर्टिफिकेट कोवैक्सीन को लेकर बनता है क्या उसे पासपोर्ट से अटैच किया जा सकता है, ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स को विदेशों में एडमिशन मिल चुका है उनके मन में अभी भी ये संशय बना हुआ है और एक क्लैरिटी का जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि आखिर होगा क्या, आखिर वो क्या उन्हें फिर से कोविशील्ड लगानी होगी या फिर सरकार उन्हें कोवैक्सीन के तौर पर ही जाने देगी। अभी जो भारत सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि वो एक्टिव डिस्कशंस में है, आने वाले समय में हो सकता है बातचीत के थ्रू कोई ना कोई रास्ता निकले। लेकिन WHO में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग जो हुई है कोवैक्सीन की, इसमें जुलाई से सितंबर तक का समय लग सकता है, जिसके बाद ये हो सकता है कि उन लोगों ने जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उन्हें विदेश जाने का मौका मिल पाए। जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्या परेशानियां उनके सामने खड़ी हो रही है, सबसे पहले ये भी जरा सुन लेते हैं। I have taken the first dose of Covaxin and I'm about to take the second dose of Covaxin in coming days. But as the things are opening up, we need to travel outside of India for business and other commitments. As we do not have the clarity around the Covaxin recognition outside the India, or there is something called we don't have the clarity around the vaccine passport we should be getting due to the Covaxin, there is a wider dilemma among the people who have taken the Covaxin and need to travel outside the India. So with this medium, I want to bring the attention on this Covaxin related stuff, so that some kind of workaround needs to be carved out so that things should start moving. I am an international student bound to travel to the United States in the final week of August. I got administered with my first dose of Covaxin last month and I'm yet to get my second dose. However, with Covishield being named the go-to vaccine for foreign students, there's a lot of uncertainty regarding whether I should get my second dose of Covaxin or whether I should get revaccinated with Covishield again. Along with me, there are several other students facing the same plight and confusion. Please help us out.